मेहमान, आज हम बनाने जा रहे हैं स्नेल। इसके लिए हमने क्या ली, शीट। आप कोई भी शीट ले सकते हो और दूसरी शीट का एक क्लाउड बना के उसको कट कर दीजिए और उस कर दीजिए, और एक में ऐसे माउंटेन्स बना के उसको ब्लैक स्केच लाइन से आउटलाइन कर दीजिए और फिर कलर कर कीजिए, और एक शीट और लेके उस पे ऐसा स्नेल ड्रॉ कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है और वो कैसी आउटपुट आएगी। इसके बाद क्या किया हमने, सर्कल को फोर कलर से फिल कर लिया। सर्कल को कट करके इसमें स्पाइरल बना के इसमें पिंक कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, ब्लू स्काई ब्लू कर दिया और ऑरेंज कर दिया, और एक स्नेल जो हमने बनाया था उसको कट आउट करके पीछे हमने एक वो चिपका ली, ईयरबड चिपका ली, और इस सेंटर में एक सीजर से यहाँ पे होल कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे बिठा देंगे और अपनी ऐसे ईयरबड से स्नेल आगे और पीछे जा पाएगा। बाद आप स्नेल को जैसे मर्जी इधर उधर चला सकते हो, अगर आपको ऊपर नीचे चलाना है तो भी ऐसे बना सकते हो, और इसे उस सर्कल को जो बनाया था हमने इसको साथ चिपका दिया और ये हमारा स्नेल रेडी हो गया। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम एक्टिविटी क्या करेंगे। ये सबसे इजी क्राफ्ट, बच्चे इसमें बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। सो एंजॉय विद योर किड्स, बाय। हेलो माय प्रियर फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज हम बना रहे हैं पेंसिल। पेंसिल को पीछे लगाने के लिए, मतलब बच्चा प्ले के साथ उसको सीख कुछ करना भी सीख जाता है, उसको पेंसिल के पीछे लगा के आप उससे खेल भी सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ कर लीजिए, जैसे हमने छोटे से पेपर पर रोबोट ड्रॉ कर लिया और एक फिश ड्रॉ कर ली और टॉर्टोइज ड्रॉ कर लिया, कार ड्रॉ कर ली। अब इनको आउटलाइन करके कलर कर दो और कलर करने के बाद हम इसको कट करके चिपका लेंगे। अब इतना कीजिए फिर हम इसके बाद देखते हैं। कलर करो। उसको कट करके हमने ले लिया रोबोट को और फिश को, कलर कर लिया आउटलाइन करके। उसके बाद डबल साइडेड टेप होती है, डबल साइडेड टेप ली और पेंसिल के पीछे लगा दी। एक साइड से वो पेंसिल से चिपक गया और एक साइड से पेपर से चिपक गया। इससे बच्चे अलग अलग कुछ भी मॉडल, अपना मिक्की माउस बना लें चाहे कुछ भी बना लें, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही हैप्पी होते हैं। और इससे अगर आप पपेट बना के कोई गेम स्टोरी भी डिस्क्राइब कर सकते हो बच्चे को और बच्चा हैप्पी हो जाता है। छत भी जू गई थी और इसके ये वाटर एनिमल है, ये पानी में रहता है और ये से जीत गया था, और ये वाटर एनिमल है जो हमेशा पानी में रहता है। ये ना टोटा रैबिट से जीता था रे, क्या बनाती है आपकी डॉल? डॉल बनाती है, कैबेज सूप बनाती है। कैबेज? अब शुरू। ये काइट है और फिश उसकी दोस्त है। ओ हेलो दोस्त, ओ हेलो, बाय बाय, मैं जा रही हूँ अपने घर में भी, बाय बाय। फिश क्या? शेपर वो डायनाट होती है। और जो फिश है वो वाटर एनिमल है। मछली तैरती है, मछली जल की रानी है जी। इसके बाद हम देखेंगे स्नेक कैसे बनाते हैं। फिंगर स्नेक हो या आप कह सकते हैं रिंग स्नेक। पहले एक पेपर पर स्नेक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए सर्कल बना के, आईज एंड
कर्वी लाइंस एंड दो स्लीपिंग लाइंस, और इसमें कलर को फिल कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, ये जो दोनों स्ट्राइप्स हैं उसको आप ऐसे जोड़कर साथ में मिला दीजिए, और फिर आप इसको फिंगर में रख के फिंगर स्नेक बना सकते हो। फाइटिंग कर रहे हैं सिंगल फिंगर सिंगल फिंगर।